अरे एक मिनट रुको रुको, नाम हो गया जनाबे आली पिछले 10 साल से। अरे नाम हो गया जनाबे आली, इमरोज हसन। इमरोज हसन, इमरोज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा और आगे आ सकते हो? अच्छा जगह बनाओ यार, जगह तुम जानते हो बनाना। हाँ जी आप बोलो। मुद्दों से भटकाने के लिए बांग्लादेशी का ये मुद्दा उठाते हैं ताकि यहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए, वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। एक मिनट रुको रुको रुको, इधर बहुत अच्छी बात बोल। यही एक मुद्दा है जो बचा हुआ है, देश में ध्रुवीकरण कीजिए और देश में सत्ता पे काबिज हो जाइए। वो कहते हैं कि चुपचाप बैठो, वो कहते हैं कि ध्रुवीकरण कीजिए और सत्ता में काबिज हो जाइए। चुनाव को आप पोलराइज करते हैं? कोई भी कोई पोलराइज नहीं करता है, इनको जानकारी नहीं है, हमारे बंधु को पता नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, एक ही मोहल्ले के हम लोग हैं। अच्छा एक ही मोहल्ले के जी? हाँ। अभी अभी इनके साथ में थे अशफाक करीम साहब। अगर अगर ध्रुवीकरण की बात करते हैं, इनको छोड़ के कल ही हमारे जेडीयू में ज्वाइन किए हैं। और बता दें रोजगार के मामले में उनकी बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है, बहुत से लोगों को नौकरी दिए हैं वो और दे भी रहे हैं। आप राज देखिए, आप सर यहाँ बात जब भी आज देश की चुनाव की बात है, लोग कहते हैं हिंदू खतरे में हैं, लोग कहते हैं मुसलमान खतरे हैं, खतरे में है। अरे सच में लोकतंत्र खतरे में है। आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? परिवारवाद पर हम थोड़ा सा बोलेंगे कि परिवारवाद इन्होंने किया है, परिवारवाद पर मोदी जी पर भी उंगली उठाया। खड़गे जी ने मन से कहा कि परिवारवाद में मोदी का कौन सा परिवार है, पूरे देश की जनता ने कहा मोदी का परिवार है। आज लालू यादव से पूछते हैं कि उनके परिवार में कितने बच्चे हैं। आज उन्होंने अपने दो बेटे को विधायक बनाया, दो को चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या परिवारवाद यही है? ये जनता परिवार नहीं है, मोदी जी का परिवार। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं एक सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। घटना किसको है? तरबूज को है। चाहे छुरी तरबूज पे गिरे, तरबूज पे गिरे, चाहे तरबूज छुरी पे गिरे, घटना किसको है? तरबूज को है। क्या समझे? घटना तरबूज को है। घटना तरबूज को है, घटना तरबूज को है, तरबूज को ही घटना है, तरबूज को ही घटना है। हाँ तरबूज को ही घटना है, तरबूज को। अरे कुछ और भी बदल दिया करो यार, वही जो एक ही बात बोलते हो सर। एक ही बात तरबूज को कर, तरबूज क्यों कटवाते वो? तरबूज खाने के लिए कटवाते हैं, खाने के लिए तरबूज कटवाएंगे। और इस फल का खासियत देख लीजिए, ऊपर से हरा अंदर से लाल। क्या बात है बाबूजी, मजा आ गया यार। क्या नाम है तुम्हारा? विश्वजीत यादव। और रहने वाले कहाँ के? कटिहार के। बोले की खूबी देखिए, आदमी को खूबी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? खूबी। बीच में आ गए हैं आप? सर आपके साथ एक हमारे साथ हैं। क्या करना है? फोटो लेना था। आप करना है बस वही, फोटो के ही चक्कर में रहिए। दोस्तों उन्होंने राजनीतिक नेताओं का नाम लिया, इसीलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। अब हम इजाजत दीजिए, उसका बेटा जब योग्य नहीं होगा तो वो किसको बढ़ाएगा? हमारा बेटा अगर पढ़ा लिखा है तो वही ना आईएएस बनेगा सर। उन्होंने कहा उसके पार्टी में क्या बेटा? बैठिए ना बाबूजी। बेटा नहीं है क्या? मेरा सर एक व्यक्तिगत प्रश्न सवाल है, देश के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं सर। आप कह रहे थे नहीं? अरे अरे बाबूजी चुप। सर आज पूरे देश से, मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं सर, ये जो टीवी में जो मोबाइल में जो गेम चल रहा है ना, इससे पूरा देश का बच्चा बर्बाद हो रहा है। हम सभी जनता नौजवानों से अपील करना चाहता है कि इस देश में एक मुद्दा, मैं रोता हूँ जब मैं गांव में चलता हूँ दोस्तों, कलभट के ऊपर में बच्चा बैठकर वो पबजी खेलता है, देश बर्बाद हो रहा है दोस्तों। मैं सभी दल के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ कि देश में ये मोबाइल में जो पबजी और क्या क्या खेल चलता है, इसको बंद करवाइए सर जी। ये परिवारवाद पर बात आई, तो परिवारवाद का विरोध करते हैं तो हर अपने भी पार्टी में उसको लागू कीजिए ना। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, रामविलास पासवान का पूरा परिवार आज सांसद है, तो परिवारवाद की बात होती तो अपने पर भी लागू कीजिए, तब दूसरे पर दोषारोपण।
हम पूछना चाहते हैं कहाँ है गुलाम नबी आजाद, कहाँ है अहमद पटेल का बेटा, कहाँ है सलमान खुर्शीद, कहाँ है दूसरे दल में जाना पड़ रहा है। लेकिन जो योग्य नहीं है उसको देश में स्थापित करने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है और वो प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। जनाब, यहाँ देश में जो है परिवार का जो है दुकानदारी चलाया जा रहा है, लोकतंत्र का गुमटी खोल के बैठा हुआ दुकानदार और अपने पूरे परिवार कुनबा को उसमें घुसा रहा है और लोकतंत्र का जो है ये हत्या है, ये परिवारवाद जो है लोगों को आगे आने नहीं देता है। बहुत सारे नौजवान हैं जिसमें कुछ क्वालिटी है, उन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आने देता है और जिसके कारण जो है परिवार हावी है और परिवार हावी होके एक नौ क्लास पढ़ा हुआ और अभी तक राजनीति का कोखो को नहीं मालूम है और उसके सामने बड़े बड़े उसके पिताजी के समान जो राजनीतिक हैं बैठते हैं और उनको झाड़न लगता है। कई बार आपने देखा होगा राजद के नेता लोगों को, इस तरह परिवारवाद हावी है। मैं वो जो सर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा जो इंटर पास कर रहा है जिसका क्षमता आईएएस बनने का वही आईएएस बनेगा जो इंटर पास का, मतलब पढ़ाई जो ये कह रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि अगर नवी है तो वो देश में अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री भी बनेगा जी। तो न्यूज चैनल है तो देश के सबसे बड़े कार्यक्रम यानी आर पार में आज हम मौजूद हैं विजय चौक पर। आज का दिन इस देश के लिए ऐतिहासिक है, किसी भी लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज पहले फेज की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं, यानी जनता जनार्दन है, इसमें कोई दोराय नहीं है, यानी मत पेटियों में 102 कैंडिडेट्स की किस्मत बंद हो चुकी है। लेकिन ये किस्मत जब 4 जून को खुलेगी तो 4 जून को पता लगेगा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकतंत्र विपक्ष लगा रहा है, लेकिन बीजेपी हुंकार भर रही है 405 404 की और 21 राज्यों की करीब करीब 102 सीटों पर आज वोट डाला गया है। हमारे पास किस जगह कितना वोट डाला गया उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड मौजूद है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच मुद्दे कई सारे हैं, क्योंकि कहीं मिठाई पर वार है तो कहीं भ्रष्टाचार पर प्रहार है। कहीं कहा जा रहा है कि रामलला के मंदिर में अंसारी तो पहुंच गए लेकिन इंडिया अलायंस का एक घटक दल नहीं पहुंचा, यानी एक एक कर हर तीर मारा जा रहा है निशाने के ऊपर। लेकिन पहले रिपोर्ट और फिर विजय चौक से आज की सबसे बड़ी बहस आर पार। ...2024 के पहले चरण का आगाज हो चुका है। 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन किसकी बातों पर जनता को यकीन है ये 4 जून को ही साफ होगा। प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। पहले चरण में हमारे लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा और ये एक बदलाव का चुनाव है। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष पर करारा प्रहार किया। तो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। एक अंसारी परिवार है, जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे,
लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ इसमें हिस्सेदार बने। लेकिन बंगाल में सियासत का रक्त चरित्र एक बार फिर खुलकर सामने आ गया, जब पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी कई जगह हिंसा हुई। हिंसा की सबसे ज्यादा खबरें कूच बिहार से आईं। उधर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को बेहद कड़ा संदेश दिया है। हमरा इंडियन अलायंस समय वोट दिन सुनो इंडियन अलायंस आमी तैयारी कर छी आर ओटा दिल्लीर कथा एखानकार कथा नय ताई तृणमूल कांग्रेसेर बिरुद्धे एकटी वोट कांग्रेस के देयार अर्थ बीजेपी के दुटो वोट दुआ। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि पहले राउंड की हवा का रुख क्या 4 जून के नतीजों की दिशा का इशारा कर रहा है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। पहले चरण का संदेश किसका जनादेश? तो पहले चरण का संदेश किसको जनादेश? लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 की सियासी हवा का विश्लेषण। 2019 में जिन 102 सीटों की हम बात करें उसमें एनडीए के खाते में 46 आई थी और इंडिया अलायंस के खाते में 49 गई थी। 2019 में से 102 सीटों में किसके पास कितनी सीटें थी? 40% सीटें बीजेपी के पास और सिर्फ 15% सीटें कांग्रेस के पास थी, बाकी अन्य दलों के पास थी। 102 सीटों पर बीजेपी 60 उम्मीदवार बीजेपी ने 2019 में उतारे थे, लेकिन 2024 में 70 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 17 उम्मीदवार ज्यादा हैं, और कांग्रेस ने इस बार 56 उतारे हैं, यानी पिछली बार 65 उतारे थे, यानी 9 उम्मीदवार कम हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि डिबेट के आज के मुद्दे क्या हैं? लेकिन हार जीत का अंतर बड़ा जरूरी है,